इसलिए हम अपना सारा सामान लेके भाग रहे हैं। तभी हम यहाँ पास छुप गए हैं एक होटल, पूरा एकदम इधर इधर पानी मन पकड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बारिश हुआ। वैसे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सो फाइनली अभी हम नहा धो लिए हैं और अभी हम आ गए अपने किचन रूम में खाना बनाने के लिए। और इधर से भी हमारा आग जो है मस्त जल रहा है, चावल को मैंने चढ़ा दी हूँ और इधर से धूप की रोशनी आ रही है, तो इसलिए पूरा मतलब एकदम चमक सा जा रहा है, क्या ही बोले। तो फिलहाल अभी आज हम बनाएंगे कुंदरू की सब्जी, तो अभी तोड़ के लाई हूँ, फ्रेश फ्रेश मस्त ताज़ा है। तो ये देखिए, ये ना 10 रुपये का मैंने खरीद के लाई, वैसे सब्जी खत्म हो गए ना इसीलिए, तो बड़ी के साथ में मस्त बनाएंगे। सो चलिए अभी फटाफट से काट लेते हैं इधर सब्जी और मिलते हैं आप लोगों से ब्लॉग में। कंटिन्यू बने रहिए। और इधर अभी हमारा सब्जी जो है बन रहा है और मैं इसको चम्मच चला दी हूँ और इधर से निकाल रही हूँ अभी मक्का, तो इसको अभी कूटने के लिए ले जाएंगे और इसका बनाएंगे पेज। तो इधर चावल हमारा हो गया है, तो बस सब्जी बन जाए फिर उसके बाद बनाएंगे पेज, तो इसलिए अभी निकाल रहे हैं मक्का। तो मैंने उसको ना भूंज के खाने के लिए लाई थी, बट उसको पेज बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम गए थे मक्का को कूटने के लिए, वहाँ पर है क्या बोलते हैं कलपत्ते में कूटने के लिए गई थी, तो ये देखिए फाइनली मैंने कूट के लेके आ गई हूँ इस तरीके से। और इधर मैंने चावल डाल के गई थी, तो ये देखिए तो आग भी मस्त हमारा हो रहा है। तो चलिए अभी इसको ना यहाँ पर डाल देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। और मैंने इधर मक्का भूंजने के लिए लाई थी, बट टाइम ही नहीं मिला भूंजने का, तो अभी थोड़ा सा भूंज लेते हैं और फटाफट से काम करना, अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जल्दी जाना है, जल्दी आने के लिए वो लेते तो इसलिए। सो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, इधर फटाफट से कर लेते हैं काम। सो फ्रेंड्स, फाइनली इधर से अभी हम तैयार व्यार हो गए हैं और टिफिन उफिन पैक कर लिए हैं और बर्तन को मैं धो दी हूँ, पोते ही बस नहीं कर पाई। और अभी टाइम हुआ है 9:30 हो गए हैं और हाथ थोड़ा सा जल्दी जाना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होने हो गया, क्या ही बोले। और बाकी सारे लोग जो है निकल चुके हैं, खाना भी मैं अच्छे से नहीं कही खा रही थी, फिर बुलाए तो खाना वाना को छोड़ के अभी फिलहाल निकल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं। पहले चूल्हा और लकड़ रख देते हैं बाहर और लाइट तो बंद ही है, तो यहाँ पे थाला तो नहीं लगाएंगे क्योंकि बाबू आते रहता है ना इसीलिए, तो चावल वगैरह ही पास रख दी हूँ मैं उसके लिए। तो चलिए फिलहाल अभी जो दरवाज़ा है उसको बंद कर देते हैं। अरे हम अपना चप्पल ही भूल गए, बिना चप्पल के कैसे जाएं। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं काम की ओर और मिलते हैं आप लोगों से सीधा काम में। हम अपना शर्ट और अपना तावेल वगैरह सब कुछ लेते हुए जा रहे हैं और इधर आप लोग देख सकते हो, देखिए पूरा एकदम से बादल ढका हुआ है और बाकी सभी लोग चले गए दौड़ दौड़ के, देखिए। तो चलिए फिलहाल चलते हैं कहीं पे छुपते हैं, और बारिश तो बहुत जोर से होने वाली है वैसे, तो कहाँ छुपे कहाँ जाए। सो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रही, अब क्या ही करें, अब इतना ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है, इतना ज़्यादा बारिश होने वाला है ना कि क्या ही बोले। सो फ्रेंड्स, इधर से बारिश स्टार्ट हो चुका है और हम लोग ना एक पास एक होटल था तो वहीं पे फिलहाल छुपे हुए हैं और मैंने वहीं से थोड़ा सा वीडियो बना ली हूँ, मतलब बना रही हूँ। और इधर आप लोग देख सकते हो जमाझम बारिश हो रही है, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है वैसे, और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा वो करके हम लोग ना वीडियो बना रहे थे और बहुत ज़्यादा बादल भी गरज रहा है और बारिश भी बहुत ज़ोरों की हो रही है। सो ये देखिए आप लोग देख सकते हो, तो फ्रेंड्स अभी हम ना यहाँ पास छुप गए हैं, एक होटल है बजिया वाला होटल, तो वहीं पे छुप गए हैं। तो बारिश बाहर भी इतना जमा जम हो रही ना कि क्या ही बोले,
तो बहुत ज़्यादा हो रही है, कब से बारिश हो ही रहा है, एक घंटा हो गया तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो पता नहीं कितना टाइम तक छूटेगा, देखते हैं। और बादल इतना ज़्यादा गरज रहे हैं, मतलब मत ही पूछो। तो और बाकी लोग क्या कर रहे हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाकी हम लोग दो जन तो वैसे ऐसे बैठे हुए हैं और बाकी लोगों को दिखाती हूँ। सो हे देखिए, इधर छुपे हुए हैं दो जन और वो यहीं के हैं, वो पास आम रखा हुआ है बेचने वाला। और एक जन हो देखिए, वो भी वहीं पे लुढ़क गई है और ये फिलहाल बैठी हुई है। और बाहर हो रही है जमाजम बारिश, ये देखिए। तो ऐसा वाला सीन हो गया और यहाँ पे रुके हुए हैं हम लोग। और इधर आप लोग देख सकते हो, बारिश इतना ज़्यादा हुआ कि पूरा पानी मेरे पास इकट्ठा हो गया है बहुत ज़्यादा। और एक दो गाड़ी वगैरह चल ही रहा है और अभी बारिश रुका नहीं है, वैसे अभी भी बारिश हो ही रही है। सो ये देखिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी बारिश हल्की सी रुक चुकी है, तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं तो वहाँ पे झोला वोला रखे हुए हैं और रजिस्टर था, तो इसी को भी मतलब इसको भी लेके आए थे, नहीं तो फिर वहाँ पे भीग जाता ना इसीलिए। तो ये देखिए, पूरा एकदम इधर इधर पानी मन पकड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ वैसे तो। ये देखिए, इधर इधर तो और भी ज़्यादा पकड़ा हुआ है, ये देखिए। तो अभी भी हल्की हल्की हो ही रही है, बट अच्छे से सूख मतलब अच्छे से बारिश छूटा नहीं है। तो फिलहाल अभी हम घर छोड़ने के लिए बोलेंगे, बिकॉज खेत तरफ से भी जाने होगा नहीं, क्योंकि पूरा खेत में भी पूरा गिल्ला गिल्ला हो गया होगा, तो वहाँ पे मिट्टी से चप्पल वगैरह चिपक जाएंगे इसीलिए। तो देखते हैं, छोड़ने बोलेंगे, छोड़ देंगे कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल अभी चलते हैं। झोला वोला पता नहीं कैसे हो गया होगा, तो वहीं पर बिक गया झोला वोला, हम लोग झोला वोला को वहीं पर छोड़ के आए थे ना इसीलिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम ना बाड़ी के पास आ गए हैं और ये देखिए, इधर इधर तो एकदम से पानी भर गया है ना कि क्या ही बोले। और पूरा ये देखिए, खेत पूरा बिक चुका है वैसे। हाँ, मतलब आज खत्म हो गया मक्का, तो तोड़ने वाला पूरा खत्म हो गया, ट्रैक्टर में भी भर दिया, उन लोग ले गए थे। तो फाइनली खत्म हो गया हमारा आज का काम और आज ही शुरू हो गया बारिश, इतना ज़्यादा आंधी तूफान हुआ ना। तो ये देखिए, सो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं। और आज हम लोग ना यहाँ पे पांच जन आए हुए थे और बाकी लोग दूसरे के यहाँ चले गए हैं, तो कल हम भी जाएंगे वहाँ पे। तो थोड़ा सा तब बचा हुआ था, तो पांच जन आओ बोले तो लेने गए थे, तो पांच जन आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में। और यही पास हम लोग ना झोला वोला निकाल लिए हैं, तो अभी हम जाएंगे, हम लोग को छोड़ देंगे, तो इसलिए सभी लोग निकल गए हैं। और इन दोनों को देख सकते हो, मोबाइल में लगे पड़े हैं, सभी लोग वैसे मोबाइल में लगे पड़े हैं। तो ये देखिए, कोई बैठ के बात कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम नगर पहुंच चुके हैं और हम लोगों को ना कार में छोड़ दिया, तो कम लोग थे तो इसीलिए। तो फाइनली पहुंच गए फटाफट से, और आते ही मैं आ गई अपने किचन रूम को देखने के लिए, और इसका हालत इतना ख़राब हो रखा ना कि क्या ही बोले। तो ये देखिए, पूरा यहाँ पे पानी पकड़ा हुआ था, बिकॉज फिर अपने आप सोख लिया है शायद, तो पूरा एकदम सा हो गया है, ये देखिए। और इधर अभी हम लग गए हैं पोते करने के लिए, झाड़ू वाड़ू लगा लिए हैं, और हमारा किचन रूम का हालत बहुत बुरा सा हो गया है वैसे। तो इधर अभी पोते ही करते जा रहे थे और पूरा हुकड़ सा जा रहा था, तो ये देखिए, तो गिल्ला हो गया शायद इसी वजह से। तो अभी फ़िलहाल हम मिट्टी के लिए चले जाते हैं, और मिट्टी फाइनली लेके आ गए, तो इसको थोड़ा थोड़ा लीप देंगे। और वो ऊपर का वाला भी पूरा निकल रहा है, बट मिट्टी नहीं है ना, इसलिए मैं ना उसी में थोड़ा थोड़ा करके लीप दूँगी। तो फिर कभी देख के अच्छा सा मिट्टी ला के फिर अच्छे से लिपाई करेंगे, क्या ही बोले। तो इसको पोते ही करते जा रही हूँ, पूरा निकल चलते जा रहा है, तो इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सभी तरफ ना इसको अच्छे से लीप देते हैं, जो जहाँ तक मतलब टूटा है वहाँ तक। तो मिट्टी भी खत्म हो गया है फाइनली, तो थोड़ा सा तातो उसी के साथ मैं ना लीप दे रही हूँ। तो ये देखिए, तो साथ में और इधर पोते भी कर देते हैं। सो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं दुकान और थोड़ा सा घूम घूम के भी आएंगे, तो तीन जन जा रहे हैं। ये देखिए बाबू भी आ रहा है हमारे साथ और हम लोग दो जन, बस मतलब तीन ही जन जा रहे हैं और कोई नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। सो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम ना दुकान से घर आ गए हैं और जैसे ही हम घर आए ना तो वैसे ही लाइट चला गया, पूरा रूम अंधेरा अंधेरा हो गया है। और इधर से बाबू अपना खाने वाला निकाल के खा रहा है और अपना आइसक्रीम को रखा है, तो इधर से अभी हम भी निकाल लिए अपना आइसक्रीम। तो ठंड के मौसम में ठंडा ठंडा आइसक्रीम तो खाते हैं। सो फ्रेंड्स इधर से अभी हमने खाना वाना खा लिए हैं और हमने जल्दी जल्दी खा लिए बिकॉज लाइट आ रहा है जा रहा है इसी वजह से, और बाहर अभी हो रही है हल्की हल्की बारिश और बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं, इसलिए मैंने लाइट अभी था तो फटाफट से खा ली हूँ, तो क्या पता लाइट फिर से चला जाए। तो आज का हमारी वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो का लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।